टू क्लोज फाइव प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकेंड वैन इमिटिंग देयर फंडामेंटल नोट्स इफ देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 25:26 देन देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आर। फ्रीक्वेंसी निकालनी हमें क्या होगी, दो क्लोज पाइप हमें दे रखे हैं, तो ये दो क्लोज पाइप दे रखे हैं जिसकी लेंथ L1 और L2 दे रखी है। V बाय में 4L1 माइनस V बाय 4L2 इक्वल टू 10 बीट्स पर सेकंड दे रखा है। लेंथ रेशो क्या आते 25:26 दे रखा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन V बाय 4 इंटू इसकी 25x हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। एंड V बाय 4 इंटू 26x ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड, यानी कि लेंथ का जो रेशियो दे रखा है वो L1 ही हमारे पास, या हमने पुट कर दिया L1 और L2 की जगह। तो इस केस में अब इसको हम सोल्व करेंगे V बाय 4 L1 माइनस V बाय 4 यानी कि 20, इस इक्वेशन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V बाय में 4 इंटू 25x माइनस V बाय में 4 इंटू 26x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ L1 और L2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 10, तो हमारे पास क्या बन जाएगा V बाय में V बाय x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 बाय में 100 माइनस 1 बाय में 104 इक्वल टू 10। ये आ गया हमारे पास V बाय x, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 104, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 104 माइनस 100 इक्वल टू क्या आ गया 10। V बाय x 4 बाय में 104 इक्वल टू 10, यानी कि V बाय x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 26,000। V बाय x हमारे पास आ गया 26,000। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में V बाय x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 26,000, तो हमारे पास V1 आ जाएगा, यानी कि V1 अगर निकालना है हमें तो V बाय 4 इंटू 25x, V बाय x की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास V1 क्या आ जाएगा 26,000 डिवाइड बाय में 100 दो तो यानी कि 260 हर्ट्स आ गई, और न्यू टू हमारे पास क्या आ जाएगी 26,000 डिवाइड बाय में 104 यानी कि 250 हर्ट्स। दिस इज द आंसर 26 हर्ट्स, 260 हर्ट्स एंड 250 हर्ट्स।